दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पांडव नगर इलाके में ऑपरेशन सुदर्शन के तहत थाना पुलिस के साथ अधिकारी भी जिले में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक टोयोटा ग्लांजर कार आई जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार ने रुकने की बजाय पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हुए भागने की कोशिश की और कार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए गैंग के सरगना आमिर एवं उसके साथी जावेद और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। इस गश्त के दौरान एक पिकेट हमारी लगी हुई थी 13 ब्लॉक बस स्टैंड त्रिलोकपुरी पर, जहां पर एक रूटीन जो हमारी व्हीकल चेकिंग के दौरान ये पाया जाता है कि एक टोयोटा ग्लांजा गाड़ी आती है और पिकेट की तरफ जब आती है उनको इशारा किया जाता है रुकने के लिए और चेकिंग के लिए, बट वो रुकने की बजाय एकदम भागने की तैयारी कर लेते हैं। और इनफैक्ट हमारे एक कॉन्स्टेबल हैं यूनुस, हमारे इंस्पेक्टर रणधीर साहब भी वहीं पर थे और उनकी पूरी टीम तैनात थी, और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए वो भागने को उसकी एफर्ट में उन्होंने इनफैक्ट कांस्टेबल यूनिस के ऊपर भी यू नो कोशिश की गाड़ी चढ़ाने की, बट वो सही टाइम पर ही जंप्ड असाइड एंड उस दौरान इनके वायरलेस सेट को भी डैमेज हुआ है। बट जब इनको हमने पकड़ने की कोशिश की ये गाड़ी छोड़ के फरार हो गए वहाँ से, और रात भर लगकर हमारी पुलिस टीम ने इनको एप्रिहेंड किया, जिससे कि 3 लोगों का अरेस्ट हुआ इसमें। पुलिस के मुताबिक आमिर एक शातिर वाहन चोर है जो पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। आमिर ने ही जावेद और फिरोज को साथ मिलकर गैंग बनाई बताया गया है। इनके पास से एक स्कैनर बरामद किया गया है जिससे मुख्य टूर पर लग्जरी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और स्कैनर की मदद से मौके पर चाबी बनाकर मिनटों में गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। आरोपियों से 3 लग्जरी गाड़ियों के साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा चाबियां बरामद की है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और कितनी वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके हैं।